मैं हूँ क्राइम मदारी। गुरुग्राम सोसाइटी हादसे ने पकड़ा तूल। रेजिडेंट्स ने जोरदार प्रदर्शन कर की सीबीआई जांच की मांग। सोसाइटी पहुंचे पूर्व मंत्री कैप्टन यादव तो बीच रास्ते से लौटे सांसद राव इंद्रजीत। अभी भी मलबे में फंसा है आईआरएस अधिकारी की पत्नी का शव। जारी है राहत का काम। 10 फरवरी की देर शाम गुरुग्राम के सेक्टर 109 स्थित चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में बहुमंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से हुए भयानक हादसे में 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत के बाद यहां के निवासियों में आक्रोश पनप रहा है और ये मामला लगातार पकड़ रहा है तूल। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने आज फिर जोरदार प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं अपनी पुलिस जी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में इजाद धाराओं पर भी उठाए हैं सवाल। ये बात अलग है कि आज ही पुलिस कमिश्नर के राव ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हादसे में मौत की शिकार हुई आईआरएस अधिकारी की पत्नी सुनीता श्रीवास्तव का शव 50 से अधिक घंटे बीतने के बाद भी मलबे से बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट से मिलने आज पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव तो पहुंचे, लेकिन सांसद राव इंद्रजीत सिंह बीच रास्ते से ही लौट गए वापस जब उन्हें सूचना मिली कि सोसाइटी रेजिडेंट्स आक्रोशित है। पता चला है कि सांसद महोदय को मौके पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन के चलते वहां नहीं आने की सलाह दी थी। सोसाइटी में आज दिन में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक तेज धमाके के साथ कुछ मलबा क्षतिग्रस्त हुए ऊपर के फ्लोर से नीचे के फ्लोर पर आ गिरा। लोगों ने सोचा शायद एक फ्लोर और गिर गया, लेकिन बाद में उन्होंने राहत की सांस ली जब पाया ये केवल मलबा था। बस इसके बाद सोसाइटी रेजिडेंट से एकजुट होकर सोसाइटी गेट के बाहर आए और शुरू कर दिया प्रदर्शन। वे जहां पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में इजाद धाराओं से संतुष्ट नहीं थे, वहीं उन्होंने बिल्डर और अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए सीबीआई जांच की मांग की। आप खुद ही सुनिए क्या बोले प्रदर्शनकारी रेजिडेंट्स। सर, जैसा कि आपने देखा ये 2 मिनट की शांति, ये मौन उन लोगों के लिए जो चले गए, पर ये उन लोगों के लिए भी जब हम जुलाई में पिछले साल मिलकर सब पुलिस स्टेशन गए थे, ये उन पुलिस वालों के लिए भी जिन्होंने बोला हम कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, कोई मर तो नहीं गया है, आज मर गए हैं दोनों। ये 2 मिनट की शांति उन डीटीसीपी के अधिकारियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सरकार के लिए, ओपिनियन लेंगे एफआईआर करने के लिए। एफआईआर हमारा राइट है। प्रदर्शन कर रहे सोसाइटी रेजिडेंट्स ने न केवल पुलिस और प्रशासन को आड़े हाथों लिया, बल्कि सूबे के सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी सोसाइटी आने की बात कहते हुए कहा कि केवल ट्वीट से काम नहीं चलेगा खट्टर साहब। मिनिस्टर साहब, आपने बोला आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप आइए ऑन द ग्राउंड। खट्टर साहब देखिए, खट्टर साहब हमारा हाल देखिए, आपके ट्वीट से कुछ नहीं होगा, हम सड़क पे आ गए हैं, आप हाथ जोड़ के विनती, आप आइए, के पास आइए, पावर है मैडम। प्रदर्शनकारी रेजिडेंट्स ने बिल्डर पर भी कुछ इस कदर साधा निशाना और जमकर की नारेबाजी। उसकी बेल कैंसिल करो, पकड़ा गया सोलोमन माफिया है, उसके प्रशांत सोलोमन, अशोक सोलोमन, मैं ट्वीट करती उसके नाम की, वो माफिया लीडर है, वो छूट जाता है बेल लेके हर बार। इससे पूर्व जहां कैप्टन अजय सिंह यादव ने वहां पहुंचकर हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही, वहीं दूसरी ओर सोसाइटी नहीं पहुंच पाए सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया को जारी बयान में कहा, वहां के निवासियों की चिंता व दुर्घटना से संबंधित जानकारी लेने के लिए शनिवार को सोसाइटी में मेरा दौरा प्रस्तावित था। मैं सोसाइटी के लोगों से मिलने के लिए दिल्ली निवास से गुरुग्राम पहुंच चुका था। रास्ते में प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे जानकारी दी कि कुछ लोग इस गंभीर मामले को पार्टीबाजी का रूप देकर सोसाइटी के मुख्य द्वार पर एकत्र हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सूचना व उनके आग्रह पर मैं वापस हो गया। मैं इस गंभीर हादसे से पीड़ित लोगों व गंभीर दुर्घटना की तह तक पहुंचने के लिए सोसाइटी में जाकर वहां के लोगों की पीड़ा सुनना चाहता था।
तो साहेबान हालांकि सोसाइटी हादसे में विभिन्न स्तर पर जांच जारी है, लेकिन ये सोसाइटी के लोग जहां अभी भी दहशत के साए में है, वहीं यहां के डी टावर में रहने वाले लोग अपने फ्लैट तक में नहीं जा सके हैं और दूसरों के घर रात गुजारने को मजबूर हैं। अब देखना होगा 7 दिन में क्या आएगी जांच रिपोर्ट, क्या अपनी पुलिस जी की SIT लेगी कोई बड़ा एक्शन, क्या बिल्डर पर कस पाएगा शिकंजा। ये सब जानने के लिए करना होगा इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।